स्टूडेंट्स आज असं गल करन जा रहे हैं नॉन फाइनेट्स की। पहले भी इस चीज़ के उपर इस टॉपिक के उपर आपां वीडियो बनाई सी, उसते ही अगे कंटिन्यू करदे हां। आपां नॉन फाइनेट्स नूं एक बार देख रहे हैं, रिपीट करते पे हाँ। नॉन फाइनेट्स नूं स्टार्ट करन तो पहले आपां देखना है कि वर्ब की चीज़ हुंदी है। वर्ब डूइंग वर्ड्स भी बोल देंगे, एक्शन वर्ड्स जिन्हों पंजाबी च क्रिया बोल देंगे। कोई भी काम करन वास्ते जोड़े वर्ड आप यूज़ करते हैं वो वर्ब दी कैटेगरी में आते हैं, वर्ब बोलते हैं उन्होंने। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे तुसी जानते हो। और वर्ब भी दो तरीके दे होंदे है, एक वो वर्ब जिहड़े कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, जिहदे विच कभी वर्ब की फस्ट फॉर्म आती, कभी वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आई एन जी लगती है, कभी थर्ड फॉर्म आ जाती है। और कुछ वर्ब्स यह जे होंगे है जिद कि आप कोई चेंज नहीं करते हैं। जिस तरह आप गल करते हैं कि दो टाइप के वर्ब्स होंगे है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो जिहड़े कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, वर्ब चेंज हो जाता है, वर्ब के नाल एस ई एस लग जाता है या वर्ब के नाल सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लग जाती है। और नॉन फाइनाइट के इस तरीके दे नाल कोई भी वर्ब दे विच चेंज नहीं आता, नो चेंज इन वर्ब। तो ये दो कैटेगरी वर्ब्स दियाँ हैगियाँ। हुण आपां नॉन फाइनाइट नूं देखते हैं। नॉन फाइनाइट दे अगे फिर कैटेगरी डिवाइड हो रही है। नॉन फाइनाइट भी थ्री कैटेगरीज दे विच डिवाइड हो जाता, इनफिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल, जिहदे बारे आपां पहला भी रीड किया। इनफिनिटिव दे विच दो कैटेगरी आ जाती है, एक कैटेगरी दे विच टू दे नाल वर्ब दी फस्ट फॉर्म लगती है जिन्हों आप टू इनफिनेटिव बोल दें। और दूसरे टाइप के जो बेयर इनफिनेटिवस है जिद सिर्फ वर्ब की फस्ट फॉर्म आती है और वो टू नहीं लगया जाता। इस सैपरेट वीडियो के आप दसिया कि दोनों किस तरह डिफरेंशिएट करना है, कि टू लगना है और कि वर्ड्स योजे है लिस्ट ऑफ वर्ड्स ये असी टू नहीं लगाना। दे आर कॉल्ड बेयर इनफिनेटिवस, उन्होंने बेयर इनफिनेटिवस बोल देंगे। इनफिनेटिवस तो बाद आप सैकेंड देखना जिरन। तो जिरन द की रूल है, जिरण दे विच आपां वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल आई एन जी लगा दिंदे आ। एग्जाम्पल्स प्लेइंग, सीइंग, हीयरिंग, स्विमिंग, स्मोकिंग, लाइक दिस, ये जिरण दे एग्जाम्पल्स है। इहदे नाल वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल आई एन जी ही लगना और इहनू असीं सब्जेक्ट दे अकॉर्डिंग या टेंस दे अकॉर्डिंग असीं इहनू चेंज नहीं करना। थर्ड कैटेगरी ऑफ इनफिनिटिवस द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दे विच ए नॉन फाइनेट की थर्ड कैटेगरी है, फर्स्ट इनफिनेटिव हो गया, सैकेंड जेरेंड है और हूँ नॉन फाइनेट की थर्ड पार्टिसिपल है। ये भी अगे चल के इनू थ्री डिफरेंट टाइप्स के डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप की आप गल करिए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल सेम उ है जो तुसी जेरेंड का देखा, जिद कि वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आई एन जी लग जाता है और इनू प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देंगे। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल दे विच वर्ब दी थर्ड फॉर्म नो यूज़ करना है और जो बीत चुकिया है, जो चीज़ हो चुकी है उस सेंटेंस नो, बीती हुई चीज़ नो दसन वास्ते वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल कई बार डी लगता है, कभी टी हो जाता है, तो आप उन्हों थर्ड फॉर्म दे विच लगाना है। जो तुसी वर्ब दी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म देखते हो वो ही चीज़ होंदी है। पास्ट पार्टिसिपल इज़ द थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल दे विच दो रूल नो अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस दे विच है फिर हैविंग दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगेगी, और अगर सेंटेंस पैसिव दे विच है फिर हैविंग बीन लगता है और फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगती है। इस तरह देखने दे नाल तुहानूं बहुत ज़्यादा कुछ नवा है क्योंकि कॉम्प्लीकेटड भी लग सकता है, लेकिन जिन्ने ज़्यादा सेंटेंसिज दी तुसी प्रैक्टिस करोगे उन्ना ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप अज थोड़ी जी आप अज भी प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंसिस देखते हैं और उदे विच जो तुसी रूल्स देखे है उदे अकॉर्डिंग असी फिलअप करके देखते हैं कि किन्ना क तुहानू क्लीयर हो जाता है कंसैप्ट। सी द फर्स्ट, दिस बुक इज़ डैश। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल देखना द सेम एज जिरन, जो तुसी इत्थे देखिया वर्ब द फर्स्ट फॉर्म के नाल आई एन जी लगता है। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, दिस इज द आंसर। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर फिल करना है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही लेफ्ट द टैप रन,
और क्योंकि मेंशन किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल फिल करना है, देन अवर आंसर विल बी रनिंग। और कई बार एग्जाम दे विच आ जाता है, लेकिन स्टूडेंट रनिंग या स्विमिंग दे स्पेलिंग गलत लिख देंगे, रनिंग दे विच सिंगल एल पा देता या स्विमिंग दे विच सिंगल एम पा देता, तो उत्थे गलती हो जाती है। सो यू शुड नो वट इज़ द राइट स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स, रनिंग और स्विमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वी सॉ द वुमेन डाई। नाउ डाइंग स्पेलिंग्स देखने हैं, डाइंग दे स्पेलिंग की होना है, गलती नहीं करनी। द पैरट केम फ्लाइंग, ए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश द न्यूज ऑफ हिज डेथ आई वेंट टू हिज होम, एंड हियर इज द वर्ब, हेयर वर्ब नो फिल करना है, हेयरिंग, यस हेयरिंग द न्यूज, खबर सुनते ही मैं उदे घर चला गया, हेयरिंग द न्यूज, ए प्रेजेंट पार्टिसिपल दे एग्जाम्पल है। नाउ सी पास्ट पार्टिसिपल, ही सीम्स वरी। पास्ट पार्टिसिपल का रूल तुसी देखिया सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इतने वरी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वरिड। नेक्स्ट, वी फाउंड ऑल द पीपल, गो द थर्ड फॉर्म, गॉन चले गए, पास्ट की गल है, असी पाया कि सारे लोग चले गए। द बॉय सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, थर्ड फॉर्म। द डैश ट्रेवलर, ट्रेवलर की क्वालिटी है, टायर वर्ब है, और इतने टायर्ड, थक्या होया यात्री पेड़ के नीचे लेटिया होया सी या लेट गया। डैश द डैश टीम लेफ्ट द ग्राउंड एंड द वर्ब इज डिफीट, देन डिफीटेड, हारी हुई टीम ग्राउंड छड़ के चली गई। नाउ सी यूज ऑफ पास्ट पार्ट सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल दे विच तुसी जो रूल देखिया सी हैविंग दे नाल थर्ड फॉर्म, तो इत्थे वर्ब है फिनिश, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू प्ले। सेकेंड सेंटेंस, डैश माई लंच आई टुक रेस्ट, दो चीज़ा हो रही हैं, हैविंग टेकन माई लंच आई टुक रेस्ट। नेक्स्ट, द बॉय बिकेम सैड हैविंग फेल्ड, द बॉय बिकेम सैड, बिकेम सैड। और क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है तो ये आप करना है हैविंग बीन लगा देना अगर सेंटेंस पैसिव है, अदरवाइज अगर सेंटेंस एक्टिव दे दिते हुए तो उत्थे असी हैविंग दे नाल थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और अगर सेंटेंस पैसिव का है दैन वी विल पुट हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ताडे सिलेबस दे विच